हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम स्ट्रिंग के बारे में सीखते हैं और स्ट्रिंग में मैं आपको गेटर्स और पुटर्स का यूज बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोड विंडो पे चलते हैं, यहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं void main लिखता हूँ, मैं हेडर फाइल नहीं लगा रहा। ओके, हेडर फाइल आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, सो मैं यहाँ पे नहीं लगाता। और यहाँ पर अब आएंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर हमें प्रिंट कराना, तो कैर टाइप का हमने ले लिया डेटा टाइप, और यहाँ एर टाइप का ए डबल आर हमने एक बना लिया वेरिएबल, ठीक है, जिसमें 20 स्ट्रिंग को हम इंटर कराएंगे, 20 या इससे ज्यादा भी इंटर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR लगाया हमने, CLR यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके इंटर अ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंटर होगी, उसके बाद स्कैनफ लगाएंगे। आप जानते हैं कि स्कैनफ यूजर से इनपुट लेने के लिए लगाया जाता है, तो यहां करेंगे परसेंट सी। और देखिए स्कैनफ में हम क्या कर सकते हैं और स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा बात। यहां हम परसेंट सी लिखने के बजाय चाहे तो क्या लिख सकते हैं, परसेंट एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट एस होता है, तो ये लिख लिया हमने परसेंट एस। और यहाँ पर सिर्फ एरे का नाम भर हमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना, एड्रेस वगैरह कुछ भी रिप्रेजेंट आपको नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ लिखिए एर, ठीक है, यही हमारे एरे का नाम है। इसके बाद इसको करिए बंद, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब प्रिंट करवाना है हमें, यहाँ लिखता हूं मैं प्रिंट एफ एस, ठीक है, और देन केवल नाम भर, एरे का नाम हमारा जो भी है वो हमने दे दिया, ठीक है, और इसी को हमें क्या करवाना है, अब प्रिंट करवाना है, ठीक है, इसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो यहां पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो ये हमने करवा दिया इसको प्रिंट। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, गेट सीएस लगाना है ताकि स्क्रीन पॉज हो सके, तो यहाँ गेट सीएस लगा दिया, ठीक है, और यहां से इसको क्लोज कर दिया। आइए देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो यहां पे मैं लिखता हूं डॉट सी। ओके, नाउ कंपाइल करवाते हैं, तो ये सक्सेस हो गया, और यहां पर हम रन करवाते हैं इसको, तो ये रन भी हो गया। तो यहां पे कोई स्ट्रिंग हम इनपुट करवा रहे हैं सूरज नाम का, देखिए सूरज नाम का स्ट्रिंग इनपुट हो गया। ओके, अब हम फिर इसको रन करवाते हैं, अब हम लिखते हैं पूरा नाम अपना, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूं सूरज तिवारी, ये लिख दिया हमने। देखिए बीच में गैप है, गैप इज अ काइंड ऑफ डिलिमिटर फॉर स्ट्रिंग। ओके, तो केवल सूरज प्रिंट हो गया रहा है, हम कितना भी कोशिश कर ले, देखिए मैं फिर इसको रन करवाता हूं, हम कितना भी कोशिश कर ले सिर्फ एक ही स्ट्रिंग प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे बीच में मैं कुमार लगा देता हूँ, फिर यहाँ तिवारी लगाता हूँ। अब देखिए यहां पर जब हम एंटर कर रहे हैं तो केवल सूरज प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, स्ट्रिंग के लिए एक स्पेशल बना हुआ है स्कैनफ की जगह जो हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गेटस कहते हैं, क्या कहते हैं, गेटस। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, गेटस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गेटस। ऊपर आते हैं, आइए इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया हमने, और अब हम इसके जगह लगाने वाले हैं गेटस, ठीक है। तो गेटस में क्या लगाना होगा, यहां पे लिखा मैंने गेटस, ठीक है, और यहां पर एरे का नाम भर लिखिए ए डबल आर, यही है, इसको बंद करिए, ओके, नो प्रॉब्लम, और यहां टर्मिनेट कर दीजिए। तो अब हमने एरे का नाम लिख दिया है, अब इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करवाते हैं, तो ये रन हो गया। अब यहां मैं लिखता हूं सूरज, ठीक है, कुमार तिवारी, ये पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है, इंटरफेस किया हमने, तो ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही इजी है, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं कि इस प्रिंटफ के बजाय हम पुटेस का यूज करके देखें, तो पुटेस क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं, जो काम प्रिंटफ करता है वही काम पुटेस करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और प्रिंटफ तो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को भी इंटर करा सकता है, जैसा कि आपने देखा स्कैनफ मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इंटर नहीं करा सकता, लेकिन पुटेस करा सकता है। तो आइए देखते हैं पुटेस में क्या कैसे इसको करेंगे, तो यहां लिखते हैं पुटेस, ठीक है। पुटेस लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, इस सेक्शन को कमेंट कर देता हूं, ये प्रिंटफ वाले, इसको कर दिया मैंने कमेंट, और अब नीचे आएंगे और
मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को एंटर कराएंगे। तो चलिए, तो यहां लिखता हूं मैं पुटेस, ठीक है। और पुटेस के बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एरे का नाम भर देना है। क्या देना है? नाम भर देना है हमें एरे का, ठीक है। तो आइए देते हैं, यहां पे लिखते हैं पुटेस, और इसके बाद एरे का नाम है ए डबल आर। बस हमने ये दे दिया, कोई डबल इंटेड कोट्स नहीं, कुछ भी नहीं, यहां पे डायरेक्टली हमने दिया और यहां पे इसको सेव किया, कंट्रोल एफ नाइन से इसको रन करवाया। अब देखिए, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, प्रिंट एफ नहीं लगाया, मैं पूरा नाम प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये है गेटस और पुटेस का यूज, इस तरह से हम गेटस और पुटेस का यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे लगा सकते हैं कि नहीं पुटेस, आइए लगा के देखते हैं। यही है हमारा, इसको कमेंट करता हूं मैं, तो अब इस लाइन को भी कमेंट कर दिया है मैंने। अब इधर आएंगे, इसको देखते हैं पुटेस, ओके। नाउ आई हैव टू सेव दिस और अब रन करवाते हैं। तो यहाँ इंटर स्ट्रिंग आ रहा है और ये देखिए लाइन चेंज हो गई है, नीचे आ रही है लाइन। अब हमें क्या लिखना है, स्ट्रिंग जो भी इंटर करवाना है यहाँ पे इंटर करवाते हैं। जैसे अब हम अपने चैनल का नाम इंटर करवाते हैं, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, तो जो मैंने लिखा वो सेम प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये है गेटस और पुटेस का यूज। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आई होगी बात कि गेटस और पुटेस का यूज हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।